दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महिलाओं द्वारा ऐसे नहाने पर नरक में भी स्थान नहीं मिलता। इनकी होने वाली संतान राक्षसी होती है, साथ ही साथ पति पर आते हैं भारी संकट और घर का माहौल भी मनहूस लगने लगता है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। आधुनिक युग में स्नान करने की क्रिया में काफी बदलाव आया है। पहले जहां लोग खुले में, नदी में, तालाबों में स्नान किया करते थे, वहीं अब स्नान करने के लिए आधुनिक स्नान घर बनवा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से छिपे हुए रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान कृष्ण के अनुसार बताएंगे कि स्नान के वक्त हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। खासकर औरतों को ऐसे कभी नहीं नहाना चाहिए, लगता है पाप, जाना पड़ता है नरक में। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्त्रियों को बताया कि पूर्ण रूप से नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दरअसल स्नान को लेकर पद्म पुराण में ये नियम बताया गया है कि हमें किसी भी परिस्थिति में पूर्ण रूप से नग्न होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। पद्म पुराण में इस संबंध में एक कथा बताई गई है कि एक बार गोपियां स्नान करने नदी में उतरी तो कान्हा जी ने उनके कपड़े छिपा दिए। गोपियां जब वस्त्र ढूंढने लगी तो उन्हें नहीं मिले। तब कान्हा जी ने कहा कि वस्त्र पेड़ पर है, आकर ले लो। तो गोपियां बोली कि जब वे स्नान करने आई थी तो यहाँ पर कोई नहीं था, अब वे बिना वस्त्रों के जल से बाहर कैसे निकले। दोस्तों, तभी भगवान कृष्ण ने बताया कि ऐसा तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। आसमान में उड़ते पक्षियों, जमीन पर चलने वाले जीवों और जल में मौजूद जीवों ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा। इतना ही नहीं, जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा। ये उनका अपमान है। आपकी नग्नता आपको पाप का भागीदार बनाती है। यही वजह है कि हमें एकदम निर्वस्त्र होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आजकल के इस दौर में कई लोग ऐसे हैं जो एकदम सफाचट नग्न होकर स्नान करते हैं, जो कि उनके नरक के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, इसीलिए कम से कम एक वस्त्र पहनकर जरूर स्नान करना चाहिए, ताकि नरक ना भोगना पड़े। दोस्तों, वही आपके पूर्वज भी आपको नग्न देखते हैं, जानिए कैसे। गरुण पुराण में बताया गया है कि जब आप स्नान कर रहे होते हैं तो राक्षस के रूप में आपके पितर आपके आसपास मौजूद होते हैं। वे आपके वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है और पितर दोष भी लगता है। और जब ये नाराज हो जाए तो संतान भी राक्षस पैदा होती है और घर के कमाने वाले व्यक्ति पर अब तक के सबसे बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए कम से कम एक वस्त्र तो आप जरूर पहनकर नहाएं। दोस्तों, बाथरूम गंदा छोड़ने से राहु केतु का पड़ता है बुरा प्रभाव, और जब राहु केतु व्यक्ति पर लग जाए तो उसे कंगाल करके ही छोड़ते हैं। दरअसल कई लोग नहाते समय बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं और गंदे बाथरूम में ही स्नान करते हैं, जो कि ऐसा करने से दुष्ट गरीबी आती है, राहु केतु नाराज हो जाते हैं। माना जाता है कि गंदे स्थान पर नहाने से और गंदा बाथरूम छोड़ देने से राहु केतु आपका विनाश कर देते हैं। वो आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो आपको कंगाल नहीं बना देते और आपके परिवार को भी बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए राहु केतु को कभी नाराज मत होने देना। साथ ही साथ शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। राहु केतु के कारण ही काल सर्प दोष लगता है। इसीलिए बाथरूम को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए
और व्यक्ति के गंदा रहने से भी मनहूस गरीबी आती है, क्योंकि गंदे व्यक्ति को राहु केतु आगे बढ़ने नहीं देते। संसार में जितनी भी सड़क या अकाल दुर्घटनाएं होती हैं, वो राहु केतु बा शनि की कूड़ दृष्टि पड़ने के कारण ही होती है। इसीलिए सतर्क रहे और पवित्र रहे। कहते हैं राहु केतु बा शनि व्यक्ति से अगर प्रसन्न हो जाए तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत धनी होने से रोक नहीं सकती। ये उस व्यक्ति को मालामाल करके ही छोड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप राहु केतु बा शनि की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में लिखे जय शनि देव, जय हो राहु देव, प्रभु आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे।